हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर है हमारे पास Realme की तरफ से Realme 11 Pro Plus 5G। तो यहाँ पर मैंने ओपन डिलीवरी वाला फीचर चूज़ किया था, तो डिलीवरी बॉय ने पहले ही इसको अनबॉक्स कर दिया है वैसे तो, पर मैंने अनबॉक्सिंग करने के लिए इसको वापस से पैक किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये लगाया है। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ Realme ने पहले से क्या क्या इम्प्रूव किया है। तो चलिए दोस्तों, इसको अनबॉक्स करते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, जैसा कि आपको पैक पर दिख ही रहा होगा, कैश ऑन डिलीवरी मैंने किया था। 30,000 के आसपास मेरे को ये मिला है फ़ोन। तो यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 200 मेगापिक्सल का OIS सुपर जूम कैमरा, यहाँ पे 120 हर्ट्ज का कर्व विजन डिस्प्ले और 100 वॉट का यहाँ पे हम लोग को सुपर वोक चार्जर मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, डायमेंसिटी यहाँ पे है 7050, मतलब स्नैपड्रैगन जो इसका प्रोसेसर है वो यहाँ पे वही येलो और ब्लैक कलर में है इनका बॉक्स। इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें दोस्तों, तो गाइस यहाँ पे Realme का पहले जो यहाँ पे डेयर टू लीप था, उस लोगों को इन्होंने चेंज कर दिया और यहाँ पे लिखा है अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप। तो ये इन्होंने एक नया चेंज किया है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पर एक कवर है जो यहाँ पे मैं एक सिम एडिटर टूल मिलेगा, इस सबको साइड में रखते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन सबको साइड में रखते हैं, आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा, और यहाँ पे लेदर फिनिश हमें मिल जाता है, ये एक बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। लुक के मामले में तो गाइज ये बहुत ही तगड़ा फ़ोन है। यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा, यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है। ये 2 मेगापिक्सल के यहाँ पे मैक्रो मिल जाता है आपको, और 8 मेगापिक्सल का ये दूसरा कैमरा। चलिए फ़ोन को साइड में रखते हैं और देखते हैं अंदर बॉक्स में क्या क्या है। यहाँ पे हमें 100 वॉट का सुपर वोक चार्जर मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इतना बड़ा चार्जर है, पावर बैंक जैसा लग रहा है वैसे तो। 100 वॉट का सुपर वोक चार्जर है, ये आपके फ़ोन को मतलब कुछ अबाउट 26 मिनट में ये फुल चार्ज कर देगा 0 to 100। और हमें एक ये सी टाइप का यहाँ पे ये मिल जाता है, हमें एक केबल A to C टाइप केबल देख सकते हैं। इन सबको साइड में रखता और तो कुछ बॉक्स में है नहीं, आते अपने फ़ोन की तरफ देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे एक माइक है, नीचे आपको सी टाइप वाला वही आपका चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे सिम ट्रे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर आपको दोनों साइड मिल जाता है। यहाँ पे लेदर फिनिश गाइस, यहाँ पे बहुत ही ये सही चीज़ है। यहाँ पे राइट साइड में देखें तो आपको यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम अप डाउन बटन दोनों ही मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आप कुछ नहीं है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपको कहीं देख लो कहीं मिलेगा, क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। कर्व डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा जो है 32 मेगापिक्सल का है, बैक कैमरा मैंने आपको बताया जैसे कि 200 मेगापिक्सल का है। यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट मिल जाता है। गाइस इस फ़ोन की सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही लाइट वेट है, मतलब अबाउट 200 जो इसका वेट है, मेरे को लग रहा है 200 ग्राम इसका वेट होगा। तो गाइस लुक आप जो मैंने आपको बताया यहाँ पे लेदर फिनिश है, तो Realme का उन्होंने पहली बार ऐसा एक फ़ोन लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने लेदर फिनिश दिया है। यहाँ पे आपको Realme का यहाँ पे ब्रांडिंग दिख जाता है, ये पूरा लेदर का, पर ये जो बीच में आपको एक स्ट्रिप दिख रहा है ये प्लास्टिक का है। तो ग्रीन कलर मुझे बहुत ही पसंद है इसमें, ये 3 कलर में आता है, एक वाइट, ब्लैक और ये ग्रीन। तो ग्रीन कलर मेरा फेवरेट है, तो मैंने ग्रीन कलर में ऑर्डर किया है। लुक के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है गाइस। तो चलिए गाइस, फ़ोन के बारे में तो बात हो गया, फ़ोन को ऑन करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है Realme का गाइस, इस पे एक स्क्रैच कार्ड लगा है जिसको मैं अभी निकालना तो नहीं चाहता, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हेलो देखने को आपको मिल रहा है, चलिए इसको सेटअप करते हैं इंग्लिश। अभी हमें अपना रीजन सिलेक्ट करना है, तो चलिए तो यहाँ पे नीचे जाते हैं, ये रहा इंडिया, कंटिन्यू करते हैं। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए आप लोग जो होते हैं यहाँ पे सबको आप लोग चूज़ करके फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को नहीं भी चूज़ करूँगा ना, फिर भी हम नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं वो को रिक्वेस्ट करूँगा कि इन दोनों को मत चूज़ करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट। आगे यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करने बोलेगा, तो हम इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट, फेस और लॉक जो स्क्रीन करते हैं आप, वो सब यहाँ देखने को मिल जाता है, स्किप करते हैं आगे। चलिए यहाँ पे हमारा सेटअप हो गया, और यहाँ पे
इस फ़ोन में हमें 120 हर्ट्ज का जो है रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जिससे कि जो फ़ोन है बहुत ही स्मूथ चल रहा है गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग, मतलब एकदम मज़ा आ जाएगा। चलिए गाइस सेटिंग में आपको मैं दिखाता हूँ फ़ोन के बारे में। तो गाइस यहाँ पे डिवाइस नेम रियलमी 11 प्रो प्लस 5G दिखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसका एक और वेरिएंट है रियलमी 11 प्रो प्लस, उसमें मतलब क्या होता है ना कि इसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा है, तो उसमें 100 मेगापिक्सल कैमरा है। तो इसमें मैंने 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट ऑर्डर किया था। यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 देखने को मिल जाता है। स्क्रीन साइज जो है 17.02 सेंटीमीटर है। बैटरी कैपेसिटी 500 mAh का बैटरी है इसमें। रैम 12GB रैम है उसमें, आप 4GB एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। फ्रंट 32 मेगापिक्सल और रियर कैमरा जो है 200 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो गाइस चलिए कैमरा की तरफ बढ़ते हैं। कैमरा यहाँ पर आपको देख सकते हैं 200 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल, आप दोनों पे सेट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे वीडियो में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 4K में आप गाइस अपना जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K में जो वीडियो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोर में अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मोर में तो यहाँ पे बहुत सारा आपको जो है फीचर मिल जाएगा। अगर आप वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर हैं तो आपके लिए मोबाइल ही बहुत ही यूज़फुल है। फोटो में जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का जो है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं फोटो। तो गाइस ये रहा रियलमी 11 प्रो प्लस का फुल डिटेल एंड अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो को लेके या इस फ़ोन को लेके तो आप मेरे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।